इस बुनियाद पर अब अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर एमपीओ का ऑर्डर मुअत्तल किया था और चौधरी परवेज इलाही और डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही तो चूंकि अभी भी वो जेल में है तो अदालत में पेश नहीं हो सके। डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि 3 MPO का डिटेंशन ऑर्डर जो था वो वापस ले लिया है। इस बुनियाद पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत करते हुए वो जो समाअत के लिए दायर दरख्वास्त थी उसे निपटा दिया है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम कियानी इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस पर परवेज़ इलाही की जमानत ना हो सकी, तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड आज जमा ना कराया जा सका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम आगाह कीजिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत की दरख्वास्त पर आज कोई पेशरफ ना हो सकी। परवेज़ इलाही की जानिब से वकील सरदार अब्दुल राज़िक के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा ना कराया जा सका। अदालत को पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हदायत की है। अदालत ने रिमार्क किए कि दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। सरदार अब्दुल राज़िक के जूनियर वकील ने समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदआ की। अदालत ने बताया कि 14 सितंबर को अहम केसेस लगे हुए हैं, 15 सितंबर की तारीख लग रहे हैं और जज अबुल हसनाद मोहम्मद उलकरनैन ने इस केस की समाअत करते हुए समाअत जो है 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही जो है इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इस्लामाबाद लाया गया था। उनका जिस्मानी रिमांड हुआ, उसके बाद उनको जुडिशल किया गया और उसके बाद उनकी दरख्वास्त जमानत लगाई गई जिस पर समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया एहतिशाम अब्बासी इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर दें आपको, 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली की नैब तहकीकात। नैब ने फैसलवाड़ा